बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होता है और ये छात्र नौजवान आज धमाका कर रहे हैं, जैसे भगत सिंह ने बहरों को सुनाने के लिए, अंग्रेज को सुनाने के लिए जैसे असेंबली में बम फेंका था, आज छात्र नौजवान के पास ऐसा साहस है। नियोजन नीति के लेकर आज कई जिलों के छात्र सड़क पर उतरे हैं। रांची में भी छात्र सड़क पर उतरे। पुराने विधानसभा से करीब 3000 से ज्यादा छात्रों ने रैली निकली और विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें विधानसभा के पहले ही रोक लिया गया। रुकने के बाद छात्र सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे, सरकार के विरोध में नारे लगाने लगे। पुलिस उनसे शांत रहने और सड़क से हट जाने की बात कहती रही। वहीं प्रदर्शन कर रहे एक छात्रा ने कहा कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाका का जरूरत है, जैसे भगत सिंह ने बहरों को सुनाने के लिए जैसे असेंबली में बम फेंका था, छात्रों नौजवानों के पास ऐसा साहस है कि बहरों को सुनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो देखिए, सरकार सब जानती है लेकिन बहरी बनी हुई है, इसीलिए बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होता है और ये छात्र नौजवान आज धमाका कर रहे हैं और आज अगर सुनवाई नहीं होगा और ये धमाका बार बार होगी, जैसे भगत सिंह ने बहरों को सुनाने के लिए, अंग्रेज को सुनाने के लिए जैसे असेंबली में बम फेंका था, आज छात्र नौजवान के पास ऐसा साहस है। ये बहरों को सुनाने के लिए बम फेंके ना फेंके, लेकिन हमारे जो साहस है इसके आधार पे हम उनको सुनाने के लिए बाध्य करेंगे। और ऐसी बात नहीं कि वो सुन नहीं रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जानबूझ करके गूंगी बहरी सरकार बन करके बैठी हुई है। क्यों गूंगी बहरी बनी हुई है? मुख्यमंत्री तो बोल रहे कि नौकरी देंगे, इंतजार कीजिए आप लोग। इंतजार क्या, इंतजार करते करते हम अपना उम्र गवा दे? यही तो हो रही है कि हमेशा खाली इंतजार इंतजार इंतजार, आश्वासन आश्वासन आश्वासन, इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं हासिल हो रही है। आज देखिए, हर वैकेंसी में उम्र सीमा की जिस ढंग से कर दिया गया है कि आप 37-35 के बाद और जॉब नहीं कर सकते हैं, किस ढंग से किया जा रहा है, तो कैसे उनके बाद पे, अभी तो 2023 आने वाली है, कुछ दिनों के बाद नया साल आने वाली है, 2024 में फिर से इलेक्शन होगी, फिर हो सकता है वो सरकार फिर से आएगी या फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर से हमें वही पेंडुलम की तरह, जो सिंपल पेंडुलम है जैसे घूमती रही है, एक्सट्रीम पोजीशन मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मेन पोजीशन, हमें ऐसे पेंडुलम की तरह घुमाई जा रही है। सबको नौकरी मिल जाएगा मैडम, ये बताइए। क्यों नहीं संभव है? क्यों नहीं संभव है? मुर्गी पालिए, बकरी पालिए, रोजगार कीजिए, नौकरी तब अगर ऐसा है तो वो अपना बेटा बेटियों को क्यों नहीं मुर्गी पालने के लिए बोलते हैं? मंत्री है, मुख्यमंत्री होने से क्या, वो मुख्यमंत्री हमारी वोट से मुख्यमंत्री बने हैं, वो कोई मतलब जो राजा महाराजा नहीं है, वो भी एक आम जनता है, तो उसका भी जो अगर हम लोग को बोल रहा है कि सुअर पालिए मुर्गी पालिए, तो उनका बेटा बेटियों को क्यों उपदेश दे रहे हैं? उनका बेटा बेटी तो अमेरिका में विदेश में सब पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जैसे छात्रों को यहाँ पर ऐसे करके धकेल दिया जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।